नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक अहमदाबाद सुबह से आपका स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में। आज हम एक स्टूडेंट से मिलेंगे जिन्होंने डीयू में पढ़ाई करी, उसके बाद उन्होंने नीति आयोग में जाके इंटर्नशिप करी। तो उनसे हम जानेंगे कि नीति आयोग में अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, किस तरीके का वहाँ पे काम होता है, क्या प्रोफाइल मिलती है और वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। तो इसको बताने के लिए मेरे साथ आ जाए परिधि। परिधि, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सो परिधि, आपने नीति आयोग में इंटर्नशिप करी, तो जब आपको पता चला कि आपकी इंटर्नशिप लग गई है तो आप कितनी एक्साइटेड थी? बहुत ज्यादा एक्चुअली, क्योंकि मैंने नीति आयोग में इंटर्नशिप करने का जो एक ड्रीम था वो कॉलेज स्टार्ट होने से भी पहले से था, जब मैं अपने सीनियर्स के लिंक्डइन प्रोफाइल्स वगैरह देखती थी। और नीति आयोग एक बहुत ही कोवेटेड बॉडी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो इंडिया में, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि फाइनली अभी करने को मिलेगा। तो आपको पता कैसे चला कि नीति आयोग में इंटर्नशिप है? हाँ, तो पहली बात तो मुझे यही था, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने सीनियर्स की प्रोफाइल्स और रेज्यूमे वगैरह देखे थे, तो उससे मुझे पता था कि ऐसे नीति आयोग में इंटर्नशिप करने का एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। फिर उसके बाद मैंने और एक्सप्लोर किया, उसकी वेबसाइट पे देखा, अपने सीनियर्स से बात की, तो वहां से पता चला कि उनकी जो इंटर्न्स की हायरिंग होती है वो पूरा अराउंड द ईयर चलती रहती है, तो जब भी आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। तो फिर मेरे सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हुए थे और तब मैंने सोचा, क्योंकि छुट्टियां भी थी, कि अब ये सही मौका है, तो तब मैंने अप्लाई किया। तो पूरा प्रोसेस क्या था नीति आयोग में इंटर्नशिप का, वो थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताइए आप। जी बिल्कुल, तो वैसे तो बहुत तरीके होते हैं नीति आयोग में इंटर्नशिप पाने का, एक तरीका नहीं है। एक बहुत ही बेसिक तरीका होता है कि नीति आयोग की एक ऑफिशियल इंटर्नशिप स्कीम है, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और उस इंटर्नशिप स्कीम पे जाके आपको एक फॉर्म भरने को मिलेगा और उसमें एलिजिबिलिटी होती है कि आप सेमेस्टर 4 या उससे ऊपर के स्टूडेंट होने चाहिए, तो वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन क्योंकि वेबसाइट में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव होते हैं और हर एक एप्लीकेशन के जो एक्सेप्टेंस की प्रॉबिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, तो अगर किसी को अपना एक्सेप्टेंस रेट वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करके बढ़ाना है तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप वेबसाइट पे अप्लाई कर दीजिए। और साथ ही साथ जिस भी वर्टिकल, मान लिया आप इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर, किसी भी इस तरह के वर्टिकल में आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां के ऑफिशियल्स की ईमेल आईडी वेबसाइट से उठाते हैं और उनको अपना एप्लीकेशन साथ ही साथ मेल भी कर दीजिए, तो उससे आपका एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाता है। बाकी एक दूसरा तरीका जो बहुत लोग यूज करते हैं वो है, अगर वो किसी को जानते हैं जो कि नीति आयोग में काम कर रहा है, तो वो उसके थ्रू वहाँ पे इंटर्नशिप पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि कब कौन से प्रोजेक्ट के लिए कौन से तरह के इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये दो तरीके होते हैं। तो फिर जब आपने अप्लाई किया उसके बाद इंटरव्यू राउंड हुआ? जी, तो इंटरव्यू राउंड वहाँ का बहुत रिगरस या बहुत ही ज्यादा इंटेंस इंटरव्यू राउंड कुछ नहीं होता है, वो बस क्योंकि उनकी इंटर्नशिप स्कीम ही इसलिए है कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जिनकी विल है, उनको वो एक मौका दे सके, तो वो बहुत ज्यादा अपना सिलेक्शन प्रोसीजर हार्ड नहीं रखते, इजी होता है। बस वो ये जानना चाहते हैं कि क्या जो प्रोजेक्ट के लिए वो आपको मौका देना चाहते हैं, क्या आप उस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है या नहीं। जैसे मैंने एक स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें उन्होंने मुझे कॉल करके बेसिक इंट्रोडक्शन और मैंने क्या क्या किया है उसके साथ बस इतना पूछा था कि क्या मैं वो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट से डील करने में फाइन हूँ, क्या मुझे वो सॉफ्टवेयर्स जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के उस प्रोजेक्ट में यूज होने थे मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ, क्या मैं काम कर पाऊंगी। तो इंटरव्यू में इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बट अदरवाइज इंटरव्यू काफी हद तक आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है और आप कौन से वर्टिकल में अप्लाई कर रहे हैं और कितना हार्ड, कितना इजी या किस तरह की एलिजिबिलिटी उनको अपने प्रोजेक्ट में चाहिए उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं या इंटरव्यू सुन रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि बहुत ज्यादा रिग्रेस प्रोसेस नहीं होता है इंटर्नशिप में सिलेक्शन का, बट अगर आप करने के लिए विलिंग है और आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बिल्कुल जब आपको बिल्कुल, पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया और फर्स्ट डे जब आपने ज्वाइन किया, तो फर्स्ट डे कैसा था नीति आयोग में? फर्स्ट डे बहुत, पहली मेरी इन ऑफिस इंटर्नशिप थी, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट तो था ही कि ऑफिस में जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, एक अलग ही एकदम एक्सपीरियंस होगा कॉर्पोरेट का, कॉलेज से एकदम अलग। तो फर्स्ट डे ज्यादातर तो पेपर वर्क वगैरह में निकल गया
बाकी की डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स में निकल गया, बट उसमें उसके अलावा जितना भी बचा था बहुत अच्छी एनर्जी। इनफैक्ट आई विल से कि अगर कभी भी कोई भी नीति आयोग में इंटर्नशिप कर रहा है तो वहाँ की जो एनर्जी है दैट इज वो बहुत ज्यादा बहुत अपने अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि सभी लोग ऐसा लगता है कि बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग भी है सभी लोग। तो हर तरफ वो जो गूंज थी, मीटिंग्स में है कोई बिजी, कोई अपना कोई और प्रोजेक्ट की चीज डिस्कस कर रहे हैं टीममेट्स के साथ, वो एक एनर्जी और बहुत ही अच्छा था। और पहला दिन बहुत ही नई नई चीजों को समझने में निकल गया, काफी कंफ्यूज भी था, थोड़ा मैं डर भी गई थी कि क्या ये हो जाएगा जिसमें हम काम करना चाह रहे हैं। तो हर तरह की फीलिंग थी फर्स्ट डे पे। आपने एनर्जी की बात करी, अक्सर एक नोटिस किया जाता है कि लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एकदम लेथार्जिक होता है, एकदम ऐसा फील आता है उन लोगों की बात सुन के कि सब लेटे हुए हैं, सब एकदम बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो वो आपके दिमाग में जो नोशन था, अगर था, तो वो क्या टूटा? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मेरी भी एकदम वही छवि थी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको लेके। हमेशा से यही सुना है घर पे भी कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो बहुत आराम से आराम की जिंदगी होती है, ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। पर नीति आयोग में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे सब लोग बहुत ही ज्यादा, इनफैक्ट सब नहीं बोलूंगी तो मोस्ट ऑफ द लोग अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। इनफैक्ट जो मैंने काफी लोगों से बात भी की थी वहां पे, क्योंकि मैंने 1-2 महीना काम किया था, तो उन्होंने बताया कि मंडे टू फ्राइडे उनका ऑफिस होता है ऑफिशियली, बट वो सैटरडेज में भी काम करते हैं। तो काम की ऐसे कोई कमी नहीं है, ऐसे एकदम लेथार्जिक बन के काम चलता नहीं है वहां पे। आप सब अपना बेस्ट दे रहे होते हैं और आपको भी देना पड़ता है, स्पेशली क्योंकि नीति आयोग में 2 तरह के पोस्ट होते हैं, एक गवर्नमेंट पोस्ट भी होता है एंड साथ ही साथ देर आर पीपल जो कि बॉन्ड बेसिस पे या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट लेके कॉन्ट्रैक्ट काम बेसिस कर रहे पे होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। तो जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं उन सबकी एनर्जी इज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो भी नोशन था लोगों के दिमाग में, ज्यादातर लोगों के दिमाग में इंडिया में रहता है कि सरकारी नौकरी या सरकारी विभाग में अगर आप जाओगे तो वहां पर कुछ भी नहीं होता है, लोग बैठे होते हैं। तो आपने ये लाइव एक्सपीरियंस किया और आपने बहुत अच्छे से बताया कि नहीं, आपको काम करना होगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। जी जी बिल्कुल। आपको प्रोफाइल वहां पर क्या मिली, आप किस डिपार्टमेंट में थी वहां? वहां पे नीति आयोग में के साथ ही एक डिपार्टमेंट काम करता है जिसको बोला जाता है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, तो मैंने उसके अंडर काम किया था एज इंटर्न। एज सच कोई प्रोफाइल अलॉट तो नहीं हुई थी, लेकिन मैंने ज्यादातर काम डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस तरह की चीजों पे किया था। ओके, तो आपने क्या लर्निंग रही आपके पूरे 2 महीने की इंटर्नशिप में, अगर आप शॉर्ट में बता पाए? नहीं, हाँ बिल्कुल, वैसे शॉर्ट में बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि लॉन्ग में मेरे बताइए फिर आप। नहीं कोई नहीं, पर मैं कोशिश करूंगी। काफी तरह के, एक तो जो एक थ्योरेटिकल लर्निंग है वो भी हुई, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा, जितने पॉलिसी मेकिंग क्या होती है उसके अंदर बहुत सारे, क्योंकि मैंने डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस के अंदर किया था तो काफी सारे मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, एक बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क होता है आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, उसके बारे में बहुत जानने को मिला। कैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलके पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, साथ में मिनिस्ट्री उनका किस तरह से उसमें क्या रोल होता है और कितना ज्यादा बड़ा भागीदार एक थिंक टैंक जो है नीति आयोग वो प्ले करता है, उसके बारे में जानने को मिला। और उसके अंदर जिन प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया था जैसे जल जीवन मिशन, मनरेगा, इन सब के बारे में बहुत, कि क्या एक्चुअली स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट और कितनी सारी पॉलिसीज हमारे पास हैं हर तरह के लोगों के लिए, वो भी बहुत सीखने को मिला। और उसके साथ ही साथ जो थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स होती है कि लोगों से बात करना, नेटवर्किंग करना, थोड़ा अच्छे से कॉन्वर्सेशन हिट करना नए नए लोगों के साथ, वो भी काफी सीखने को मिला। तो जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या इंग्लिश में बात होती है वहां पर, या हिंदी में बात होती है? वैसे डिपेंड करता है क्योंकि काफी सारी जो उनकी अगर मीटिंग्स किसी और के साथ हो रही होती है तो समटाइम्स इट इज कि लेट्स से आंध्रा गवर्नमेंट के साथ बात हो रही होती है तो हिंदी में तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, तो इन दैट केस काफी ज्यादा इंग्लिश ही फॉलो होती है। लेकिन हर ऐसे भी बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं होता, सब जो बेसिक समझ समझना पर्पस होता है किसी भी ठीक कॉन्वर्सेशन का। है, तो आपने और क्या क्या स्किल्स डेवलप किए, सॉफ्ट स्किल्स के अलावा आपने क्या स्किल्स डेवलप किए इंटर्नशिप के दौरान?
जी, तो मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई में काफी सारी चीजें हम थ्योरेटिकली लर्न करते हैं, पर उनको कभी ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में अप्लाई करने का मौका हमें नहीं मिलता है। तो वो चीज मैंने एक तो सीखी, और मेरा काफी सारा काम जो था वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे था, तो उसके काफी सारा बहुत ही इन डेप्थ मुझे सीखना पड़ा उसमें, प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करते हैं। साथ ही साथ और भी काफी सॉफ्टवेयर्स जो यूज किए थे हमने, जैसे कि एक SPSS करके स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर होता है, एक QGIS करके भी होता है, ये सब सॉफ्टवेयर्स की जानकारी भी ज्यादा अच्छे से हुई क्योंकि वहाँ पे रियल वर्ल्ड चीजों पे हम काम कर रहे थे। जैसे आपको अगर कोई टास्क दिया वहां पर इंटर्नशिप में करने के लिए, अगर आप थोड़ा बहुत उसमें नहीं कर पाए या आपको कुछ दिक्कत आई, तो कुछ डांट लगाते थे या बहुत चिल एनवायरनमेंट रहता था, कैसा था? नहीं, बहुत चिल तो नहीं कहूंगी, बट बहुत कोऑपरेटिव और अंडरस्टैंडिंग मैं जरूर बोलूंगी। वो काफी मतलब ध्यान देते हैं कि क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं। आप अगर आप एक ऐसी टीम में काम कर रहे हो जिसमें दो तीन और इंटर्न्स भी है, तो वो ये भी मेक श्योर करते हैं कि आप टीम वर्क भी सीखो, उनके साथ भी काम करो, केवल अपने अपने बारे में नहीं सोचो। और हमेशा अगर हम नहीं पूछते थे तो वो जो मैनेजर्स होते थे सामने से खुद से ही आके पूछ लेते थे कि क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पर ऐसे कभी बहुत स्ट्रिक्टली ये नहीं हुआ कि तुमने आज ये नहीं किया या तुमने ये गलत कर दिया, वो कभी नहीं था। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा बना के चलनी पड़ती थी। ये अच्छी बात है कि जो भी इंटर्न है उनका ध्यान रखा गया, उनके जी साथ जी बहुत कोऑपरेटिव सब सीनियर्स रहे। तो बिल्कुल जब इंटर्नशिप कर रही थी तो कोई बड़ी पर्सनैलिटी से मिलने का हुआ, जैसे CEO अमिताभ कांत या और किसी बड़े डिग्नेटरी से? हाँ, एक्चुअली जो मेरा इंटर्नशिप का दौर था वहाँ पे, उसी दौर में जो CEO अमिताभ कांत थे वो रिटायर हुए थे उसमें से, तो उनकी फेयरवेल पार्टी वगैरह सब उसी दौरान थी। तो बहुत ऐसे कुछ मिलके हाथ मिलाने का, बात करने का मौका तो नहीं मिला, पर हाँ काफी बार वो कॉरिडोर्स में आते जाते या उनकी फेयरवेल पार्टी पे वैसे मिले तो आपकी ज्वाइनिंग और उनका फेयरवेल एक साथ लगभग थे। था, तो ये बहुत अच्छा टाइमिंग भी रहा आपके साथ, आपको मिलने का मौका मिल गया। हाँ, बिल्कुल। आप क्या एडवाइस करेंगी, कि एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आप क्या एडवाइस करेंगी फ्यूचर स्टूडेंट्स को जिनको नीति आयोग या किसी बड़े थिंक टैंक में इंटर्नशिप लेनी है, उनको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात तो अगर आपके कनेक्शंस हैं, आप किसी सीनियर को जानते हो जो किसी मिनिस्ट्री या इस तरह की कोई गवर्नमेंट बॉडी में काम कर रहा है, या आप किसी से बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन या कोई और प्रोफेशनल नेटवर्क के थ्रू अगर आप कनेक्शन स्टेब्लिश कर पाते हो, और तब उनको बोल सकते हो अपना इंटरेस्ट जाहिर करके कि आप इंटर्नशिप करने में इंटरेस्टेड है, तो वो सभी देयर ऑल वो हमेशा इंटर्न्स की खोज में रहते ही हैं, और उनको मौका देना होता है बच्चों को कि वो सीखें करें काम। तो कनेक्शंस के थ्रू एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर वो नहीं होता है तो आप बिल्कुल वेबसाइट पे जाके नॉर्मली जो कन्वेंशनल पाथ है वो ले सकते हो, पर साथ ही साथ थोड़ा और एफर्ट आप करोगे तो आपका एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाएगा। जैसे कि ईमेल कर दिया अपना एप्लीकेशन वेबसाइट पे अप्लाई करने के साथ साथ, या फिर किसी को आपने बता दिया, टेक्स्ट कर दिया कि मैंने ईमेल मैंने एप्लीकेशन फिल कर दिया है, तो अगर आप फास्ट करने में प्रोसेस को हेल्प कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज है कि हो सकता है ऐसा कि पहली बारी में आपका एप्लीकेशन गो थ्रू ना हो, बट आप ट्राई करते रहिए, हो जाएगा। बहुत ज्यादा वो एकदम हाई फाई इंग्लिश या रिज्यूमे ये सब नहीं देखते, बस आप में विलिंगनेस टू लर्न होनी चाहिए, और वो आप विलिंगनेस टू लर्न को अपने रिज्यूमे पे प्रूव कर सको कि आपने पहले भी चीजें करी हैं, तो यू आर गुड टू गो। ओके, तो परिधि आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की कि नीति आयोग में अगर इंटर्नशिप चाहिए तो क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, वहां पर किस तरीके का माहौल होता है, क्या प्रोफाइल होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू। डेफिनेटली ये इंटरव्यू काफी बच्चों को हेल्प करेगा आगे, जो भी इंटर्नशिप लेना चाहेंगे नीति आयोग या किसी बड़े गवर्नमेंट बॉडी में। सो परिधि, थैंक यू सो मच, और अहमदाबाद सुबह की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर डूइंग दिस, थैंक यू।